हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। तो आज हम देखने वाले हैं जैन सफी के बेस्ट कॉमेडी सीन्स। यस, सो जैन सफी बेस्ट कॉमेडी फ्रॉम राउंड टू हेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैशअप ही है बेसिकली, और जैन सफी का जो तरका है ना, तरकेदार जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है ये पूरा राउंड टू हेल का जो सीरीज है वहां से उठा करके एक मैशअप बना करके वो प्रेजेंट किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही टाइप का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, यादें ताजा हो जाएंगे। एंड ये उसके साथ जैन के, यू नो, वॉसिम के, सबके जो नखड़े हैं, सबके जो, यू नो, धमाकेदार जो पंच लाइंस है, कॉमेडी फ्लेवर्स है, सब देखेंगे। ओके, और उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, आज तीसरे महीने में तुम्हारी कोर्ट में तीसरी पेशी है, और हो सकता है आज कोर्ट में मैं फांसी की सजा सुनाए। ये क्या बात हुई दरोगा साहब? मंडल चोरी करने पे फांसी की सजा वाला? मंडल चोरी करने पे नहीं, तुमने कुछ चोरी चुराया था। नहीं नहीं दरोगा साहब, नाजिम तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी बॉडी ऋतिक रोशन की बढ़िया। साले को चुप करा ले तू, इसने मेरे कानों में दर्द कर रखा है 3 महीने से। अब तुझे समझ में ना आता तो क्यों तुझे बुला रहा है तू? मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। इस साले ने सर में दर्द कर दिया मेरे, गले रो गया, सिगरेट पीनी है। अरे बाप रे। जी ऐसा साहब। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है भागने का, प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। आओ आओ। हाँ, लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलाएगा कौन? बिल्कुल सही कह रही है, NH24 से चलो। वसीम एक काम कर, गाड़ी तू चला। की Do you love me? वे साले, जल्दी करो, दरोगा आ जाएगा। जैन तू चला ले। हाँ सही कह रही है। कोल्डिंग 2 लीटर की लेंगे रास्ते में। सुतरी के पॉल वॉकर को ही चलानी पड़ेगी। रॉकेट बना दे, रॉकेट मुंबई से पहले मत रोक दिए। ये कैसा गियर है वसीम? विदेशी कंपनी की गाड़ी है क्या? बड़ा मुलायम गियर दे रही है कंपनी। नाजिम कार का गियर डाल यार, मेरा गियर मत डाले। मैं गियर डालूं? मैं नहीं खोलूंगा इसकी फाइल भाई। एक ही जगह लगा ना, फोन के रखा है मेरा तो। ओके दरोगा साहब, ओके ओके। अरे बाप रे, टक्कर का मुंबई सपनों का शहर। गर्मी क्या सो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज? बाप रे। पीछे जाके बैठ जाएगा गुड बॉय की तरह। जबरदस्त है भाई। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे निशाने के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, और मैंने ये भी सुना है शूटर मूवी में तुम्हारा खलेरा भैया था, और मैंने ये भी सुना है तुम आँख मीच कर निशाना लगा देते, और वो भी बिल्कुल ठीक। बनने बोल वो कर जिंदा गाल पे मारा है, गाल पे खागा। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरोगा साहब मुंह उतार दिया जैन को। ये तो बताना रिया। अरे ये सुन नहीं सकता ना दरोगा साहब? अबे भौसड़ी के बोल तो सकता है। वसीम अब कुछ होगा।
भोसड़ी के गाली बके जा रही है। नाजिम तीन बार अम्मी को गाली बक दिया इसने। ये सोच रही आवाज नाती है मुझे, आवाज आ बहन नाजिम, आवाज नाती है मुझे। हाँ तो आती ना है ना बहन, वही वाले बढ़िया सत्री के। आज के बाद मत बक दिए गाली साले, तेरे गाल फाड़ के स्वेटर बुंदुआ जाड़ो का। दरोगा साहब मूत लग रही है, दरोगा साहब देखो मैं कह रहा हूं लोटे को मूत लग रही है, लोटे की किडनी फेल है, कैंसर, एचआईवी, पीरियड्स, एक आने एक आने लोटे। गाड़ी रुक बात दरोगा साहब, मैं मूत बात करता हूं। तू क्यों जागा? अरे दरोगा साहब रास्ता ना पता नहीं, इसे देखा ना ना, मैं दिखा दूंगा इसे झाड़ियों का रास्ता किधर है। ये बात तो ठीक है, रोक लिए गाड़ी, घनी झाड़ियों में मूत पाऊंगा। ना ना एक्वा पीना बढ़िया लगे, महंगी झाड़ी है इधर, रोड है इधर ना, ये घनी झाड़ी है हम। अरे ये बहुत ही बढ़िया है। बता दे कहाँ गए। गूगल मैप पे बना रही है जगह तो ठीक है। अब कोर्ट में गवाही तू ही देगा उस मर्डर चोरी कराने वाले के बारे में, तू ही इसका स्केच बनवाएगा और तू ही बताएगा। तू बताएगा कैसे? तो बताने कहाँ गए वो लोग? ये कहाँ को लेके जा रही है? मूत पलिया और ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। सतरी के प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी लेकिन पूरी मूवी में एक कमी है, साला कहीं आवाज नहीं है कहीं पे भी। आवाज छोड़, मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया रजनीकांत। मैं भोसड़ी का हल्ला मारा मूवी को कॉपी करा जा रही है। शूटर ये क्या है? पानी की टंकी दिख है, टोटी टोटी। चिकन दबा देगा क्या? ये देखे है टोटी। मैं कौन है बे? चूतिया चूतिया, अब हम चूतिया हो गए बसी। भोसड़ी के आरओ का पानी क्या पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। ए बसीम तो बार बार गाली ना बकता, ये कुछ और ही कहना चाह रिया। नाजिम कर ले जैन की आवाज। हेलो, अरे इधर जैन, इधर आ जा इधर। हां नाजिम कर ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बता ही नहीं जा रिया, आप बता दो। ए भाई साहब ये तो तुमने काले पेपर पर काले पेन से लिख काला दिया, ये वसीम बता दे। वसीम भाई साहब इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप बता दो एड्रेस, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेड लाइट गंडेली रोड के पीछे। अच्छा रेड लाइट गंडेली रोड, कुछ नहीं भाई साहब, ये भरी मार्केट में से निकल रहे लोग टहल रहे हैं यहाँ पे, भीड़ जो है मार्केट। भाई साहब तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। नाजिम दलाल 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 यार सुतरी के पास में ही हूँ मैं, नाजिम दूर के देख ले भाई एक बार, पौसड़ी के इधर ही हूँ। ए बसीम पकड़ी इसे, कहाँ है? नाजिम दलाल दलाल। नाजिम सही कह रही है बसीम, मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज में, सिर में गोली मारी। अरे दादी आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी, कैसी दादी, क्या समझा दिया बसीम ये? नैना जो मिल के भाग देखते थे नैना। एड्रेस पूछ लिया है साले।
और चला व्हाट्सएप। अरे सुपरी के शहर में बंद होंगे तूने पहले मेरी दादी के 6 गोली मारी, उसके बाद तूने उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया, उसके बाद तूने उन्हें गुड्डे बिस्किट खिलाया, फिर तू मूवी दिखाने ले गया हॉलीवुड की, फिर घर पे लाके तूने घड़ी के साबुन से उनकी लाश को धोया। अब मैं तुझे धोऊंगा। लौटे पागल हो गए। जितना बार देखोगे, जितना बार ब्लाइंड का ही पड़ता है, जितना बार देखोगे आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। इनका मतलब मुझे लग रहा है वन ऑफ द टॉप, मतलब बहुत बेस्ट वीडियो बोल सकते हो। डेफ डम ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट है और इतना फ्लॉलेसली जैन भाई, मतलब बिना सुने एक्सप्रेशन पे उनका कितना स्टेबल रह रहा है, मतलब एक्टिंग कितना जबरदस्त किया है। कोई भी रोशन की बॉडी अच्छी है। क्या माँ की गाली पकड़ा है बस। क्या जबरदस्त इन लोगों का एक्टिंग, इतना जबरदस्त है। मुझे तो लगता है कि हजारों टेक्स लिए होंगे क्योंकि इतनी हंसी का चीज है, बार बार हंसते हैं, खुद ही कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या स्क्रिप्ट है, गाना का टाइम में वो ना, मुझे लग रहा है कि वो ऊपर से ढाला हुआ है। अरे गाना मत गा, नहीं तो कॉपीराइट। ये मतलब ऐसे ही बोल दिया उसको, ऐसे सीन में वो लोग एकदम आ जाते हैं ना, एकदम क्या बोले, मूड में आ जाते हैं, पूरा मूड में, मूड में, मूड में सब में आ जाते हैं। मैन क्या बनाया है राउंड 12 का ये एपिसोड। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, 3 पार्ट है जस्ट ब्लाइंड डम का, जस्ट गो एंड वॉच दैट एंड जस्ट सब्सक्राइब देम, दे आर फैबुलस। उन लोगों का कोई भी पार्ट, अभी कोई भी मतलब एपिसोड उठा के आप देख लो, बहुत सारे वीडियोस हैं उनके चैनल पे, सारे इतने जबरदस्त हैं। मुझे लगता है यही वाला कुछ अलग ही लेवल का है, कुछ अलग ही लेवल है इसका। क्या बोलते हैं, कॉमेडी लेवल कुछ ज्यादा ही है। बाप रे, सबसे ज्यादा तो मुझे मस्त जैन का इसमें जो पार्ट है, जैन का है, क्योंकि वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, जो भी उस मन में वो बोलते जा रहा है वो पार्ट सबसे अच्छा है। इन लोगों को एक्चुअली दिया गया था एक सुपारी, किसी को मारने का, शायद बंडल को लूटने का ऐसा कुछ था, तो वही चीज के को लेके ये लोग एक्चुअली घूमते जा रहे, घूमते जा रहे। लास्ट में एकदम इन लोगों का निकलेगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो भी है इस पूरा सीन में। तो वी आर सुपर हैप्पी टुडे, इतने हंस के ना एक दिल खुश हो जाता है यार, मजा आ जाता है। सैटरडे इतना बार देखते हैं, हमें नहीं लगता कि मतलब फर्स्ट, मतलब इतना बार देख चुके हैं, एवरी टाइम लगता है कि हम फर्स्ट बार देख रहे हैं इसे। बहुत मजा आया, आज सैटरडे हमारा बन गया इसी से। बिल्कुल एकदम, तो बहुत बहुत हंसे, आप भी बहुत हंसे, वी आर सुपर श्योर फॉर दैट। एंड यस, अगर आप हंसे और अगर आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। वीडियो पे लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।